अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी एंड इट्स 11th of November. या 11th of November. एक्चुअली टुडे वी हैड अ वर्कशॉप, और वर्कशॉप के लिए मैं जा रही थी उस डेस्टिनेशन तक, उस हॉल तक जहाँ पे हमारी वर्कशॉप थी. तो जी ये देखें जी, यूनिवर्सिटी में स्लाइटली स्मोग होने लग गई है. इट वाज गेटिंग बिट यू नो विंटर काइंड ऑफ वेदर. और वो एक्चुअली हमारी बिल्डिंग थी कैस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एंड रिसर्च, काइंड ऑफ इस टाइप का है इसका कोई नेम. तो यहाँ पर हमारी होनी थी वो वर्कशॉप. इट वाज हार्डली ऑफ 1 to 2 hours, और ये 10 बजे होनी थी, बट राइट नाउ कोई वक्त तकरीबन हो रहा था ये 9:45 का. मैं 9:45 के करीब जो थी वो पहुंच चुकी थी. अच्छा आज 11 नवंबर है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन 11:11 सेल. मतलब भाई यहाँ पे हमारे पास लंडे लेने के कपड़े नहीं हैं, तो पैसे नहीं हैं, और तुम लोग सेल पे धक्के दे रहे हो हमें. कलयुग है भाई, कलयुग. अभी आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एंड आई एम जस्ट नॉट सीइंग हर, आई डोंट नो व्हेयर शी. अब तक ना बस वेटिंग 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 चल रही थी. बहुत दिनों से मैं स्ट्रेस्ड थी, तो आज बस मेरी फ्रेंड ने कहा कि हमें चलना चाहिए यूनिवर्सिटी, तो वी केम हेयर. और अच्छा वक्त गुजर गया. अल्लाह, जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि वर्कशॉप जो है वो डिले हो चुकी है थोड़ी देर के लिए, यानी कि 10:30 तक चली गई है. तो मैं फिर आराम से जी बैठ गई यहाँ पे. अच्छा ठंडा ठंडा सा वेदर है, अब तो सन भी थोड़ा अच्छा लगता है. बाय द वे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड दिस वर आर बसेस, और मेरी फ्रेंड आ गई थी, और इसी के साथ हम बस अब अंदर जाने लगे थे क्योंकि 10:30 से भी टाइम ऊपर हो गया ऑलमोस्ट, और इनफैक्ट शुरू होते होते 11:30 हो गए थे. और यहाँ पर हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे. बाय द वे अंदर कैमराज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, एंड इट वाज गेटिंग हार्ड एंड हार्ड टू व्लॉग इनसाइड द हॉल. यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे जो थे मेंबर्स वगैरह, वो पहुँच चुके थे. और यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे एक लड़की ने मना किया था जो कि स्टाफ में थी, कि डोंट व्लॉग और डोंट टेक एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स बिकॉज दे वर जस्ट स्नैचिंग आवर फोन्स. तो मैंने फिर बहुत हार्डली ही अंदर जो थोड़े से मोमेंट्स को किया कैप्चर, सो किया. बाकी फिर मैंने अपना सेल फोन अंदर रख लिया था, इससे बेटर कि मेरा स्नैच होता, तो मैं फिर अंदर ही रख के तो बैठ गई थी. और ये काफ़ी ख़ूबसूरत सा एक हॉल है, काइंड ऑफ इंटरनेशनल बिल्डिंग, एंड उसके डिज़ाइन पे बनाया गया है. और ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी. और वर्कशॉप जनाब ख़त्म हो चुकी थी, और फिर हम वर्कशॉप के फ़ौरन बाद आ गए थे वॉशरूम. यू नो विंटर्स एंड वॉशरूम, चोली दामन का साथ है. और ये हमारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे, और माई फ्रेंड वॉज इनसाइड द वॉशरूम एंड आई वॉज वेटिंग आउटसाइड ताकि हम जाएँ और जाके कुछ खा पी लें, रिफ़्रेशमेंट कर लें. और यहाँ ये रिफ़्रेशमेंट हमें मिली थी जो कि बस नॉर्मल सी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बट इट वॉज लाइक ओके. हमने बस एंजॉय किया, खाया. बेंच तो दिखाओ जिस पे बैठ के हम अपने दिल की बातें किया करते थे. मेरे ख्याल वो बेंच वहाँ होता था ना, या वो इधर था? इधर जैसे जो है वो कुछ छूट गोल्डन डेज वापस आ गए. और आपने दराज 11:11 से कोई शॉपिंग करनी हो तो मैं यही अभी कह रही थी, जब मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं कह रही थी हमारे पास तो लंडे कपड़े लेने के पैसे पे हम कैसे शॉपिंग करेंगे. करनी है आपने हैप्पी शॉपिंग? आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव नो स्पेस इन माय मोबाइल टू डाउनलोड द तराज ऐप, और आई हैव नो स्पेस इन माय पॉकेट टू स्पेंड. मेरे पास 1 रुपी, हाँ 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकती बस.
हाय हाय चलो लोगों से रिक्वेस्ट कर दो स्ट्रेस्ड फ्रेंड्स की तरफ से कि सब्सक्राइब करें और इसको जो है like वो बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस करें और इसको जो है वो लोगों को भेजें करें शेयर करें ताकि जो है वो मेरी जो फ्रेंड है उसके फॉलोअर्स बढ़ सकें और वो एक बहुत अच्छी बन सके। बाय बाय कटू बाय।